सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैप्लेरियंस पैरेलल यूनिवर्स का फर्स्ट एपिसोड आज यानी सैटरडे को रिलीज होने वाला है। जी हाँ, एंड ये कैप्लेरियंस की एक बिल्कुल ही नए टाइप की वीडियो होगी। सो इस वीडियो को देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, थंबनेल में आप लोग देख सकते हो, मतलब एक आइस स्क्रीम 7 की ऑल्टरनेटिव एंडिंग देखने को मिलेगी हमको। एंड इसके अलावा जो एक मिनी गेम है ना आइस स्क्रीम चैप्टर 7 में, उससे रिलेटेड भी एक कॉम्पिटिशन के बारे में हमको इसमें देखने को मिलेगा। तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड इससे पहले लास्ट वीक भी टीम कैप्लेरियंस की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आई थी, जिसमें मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, जो कि थी मतलब वॉइस आर्टिस्ट से रिलेटेड वीडियो थी, जिसमें इवोलन एंड मतलब मिस्टर मीट की वॉइस कैसे क्रिएट करके वो सब दिखाया गया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी। सो या, इसके अलावा एक शॉर्ट वीडियो भी इस बीच टीम कैप्लेरियंस ने शेयर करी अपने चैनल पर, जो कि एक तो थी यही न्यू चैलेंज से रिलेटेड, जो कि मतलब मिनी गेम वाला जो चैलेंज है वो वाला। एंड इसके अलावा कैप्टेरियंस का जो न्यू गेम है आइस स्क्रीम ऑनलाइन वाला जो गेम है, आइस स्क्रीम ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, उसका जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, बट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में आइस स्क्रीम ऑनलाइन ये जो गेम है ये रिलीज़ हो जाएगा। एंड इसको खेलना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी टीम कैप्टेंस वालों ने शेयर करी है, जिसमें थोड़ा सा और गेम प्ले हमारे को दिखाया गया है। तो या, आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना। अब आ जाते हैं उस छोटे से कम्युनिटी पोस्ट पर, जो कि मैंने अपने रिपब्लिक डे वाले कम्युनिटी पोस्ट में नीचे कर दिया था कि टेल मी योर थ्योरीज़। तो यस, जितनी थ्योरी आई हैं उन्हें ले लेता हूँ। एंड इसके अलावा आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ अपनी थ्योरीज़ आइस स्क्रीम कैप्टेरियन से रिलेटेड, जो भी आपके मन में है सब कुछ आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड छोटा क्वेश्चन रखना एंड समझ में आए ऐसा रखना, ठीक है, भले हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, लेकिन वो अजीबोगरीब जो होते हैं ना किसी किसी के, वैसे मत करना बस, ठीक है। तो चलो, और हैप्पी रिपब्लिक डे सेम टू यू, एंड अंजू ने भी हैप्पी रिपब्लिक डे बोला है, ठीक है। सो यहाँ पे गिफ्ट प्लेस की थ्योरी है भाई। माय थ्योरी इज़ दैट कि हमें आइस स्क्रीम 8 में हेल्थ इंग्रेडिएंट भी फाइंड करना पड़ेगा जे एंड माइक को अनचबी करने के लिए। तो यस, अनचबी करने के लिए हमको एक ऐसा इंग्रेडिएंट ढूंढना पड़ेगा जिससे कि जो सारे फ्रेंड्स हैं वो वापस से मतलब ठीक हो सकें। यस, ये सही बात है एंड काफ़ी अच्छी थ्योरी है एंड यही होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे लिख रहा है, आप थंबनेल अच्छे क्यों नहीं बनाते भाई, मेरे थंबनेल अच्छे नहीं लगते क्या भाई? कमेंट करके बताओ सब लोग कमेंट में कि थंबनेल कैसे लगते हैं मेरे, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और अच्छे बनाऊँ तो मेरे को सजेस्ट करो, ठीक है, कैसे थंबनेल होने चाहिए, ठीक है, मतलब मेन चीज़ वो है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आइस स्क्रीम एंड होने के बाद शायद कैप्लेरियंस आइस स्क्रीम के डिफरेंट गेम बनाए, जैसे आइस स्क्रीम यूनाइटेड। भाई गेम आने के बाद ये बोला है। वेल, हाँ ये तो हो ही रहा है कि आइस स्क्रीम जैसे और भी कई गेम आ रहे हैं, आइस स्क्रीम ऑनलाइन और भी कुछ ऐसे थीम आ सकती हैं, ठीक है, तो हाँ ये पॉसिबल है। पारुल रानी का ये सवाल, ओके। सो रिंकू राज का यहाँ पे एक और सवाल है। अच्छा एक सेकंड, ये पहला ही सवाल है भाई। मुझे एक बहुत मस्त चीज़ पता चली है, आइस स्क्रीम 8 का प्लेयर कौन हो सकता है? ओके, देखो, आइस स्क्रीम 5 एंड आइस स्क्रीम 6 में जे दो टाइम खेला था, एंड आइस स्क्रीम 5 और 7 में माइक भी दो टाइम खेला, आइस स्क्रीम 6 और 7 में चार्ली भी दो टाइम खेला, यानी इन कैरेक्टर्स के दो टाइम रोल हैं। अगर नहीं है तो जे आइस स्क्रीम 7 में क्यों नहीं खेला था? लिज अभी तक एक ही बार खेली है, शायद वो हमारी आइस स्क्रीम 8 की प्लेयर हो सकती है, शायद रॉड कंट्रोल रूम के गेट तोड़ के अंदर आ जाएगा और सारे बच्चों को पकड़ के पिंक रूम में ले जाएगा। लिज कहीं चुप जाएगी। थ्योरी है काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, ऐसा हो भी सकता है। एंड ये जो थ्योरी है ना कि सारे प्लेयर्स ने दो दो टाइम ये गेम प्ले किया है, तो यस ये सच्चाई है एंड ये काफ़ी अच्छी थ्योरी है, नाइस। अमर चौधरी का पे थ्योरी है, जो पाइप से माइक चार्ली लिज कंट्रोल रूम में एंटर होंगे, आइस स्क्रीम 8 में हम कैसे भी ऊपर गए और चार फ्रेंड अलग अलग एरिया में एंटर हों, रॉड भी जाए तो रॉड जे को किडनैप कर ले, माइक चार्ली लिज के अलग अलग कैरेक्टर था तो जे भी हो। मैं ये क्वेश्चन नहीं ले रहा क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ओके,
मैंने बोला क्लियर कट क्वेश्चन है, तो क्लियर कट है ही नहीं बिल्कुल। ओके अमर चौधरी का यहाँ पे सवाल है, मे बी आइसक्रीम यूनाइटेड रिलीज डेट 24/3/23। यस हो सकता है। हाँ तब मेरा बर्थडे है। ओके नाइस। ओके अमर चौधरी का एक और सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है कि इस ईयर में बहुत गेम आएंगे, EVOL 3, आइसक्रीम 8, आइसक्रीम यूनाइटेड, मिस्टर मी 3, ग्रैनी 4, EVOL द ब्रोकन मास्क, बैलून एस्केप, कैपलिजेंस न्यू 2, मिस्टीरियस कैरेक्टर गेम एंड हॉरर बाल में भी एंटर मिस्टर मीट। तो यस इसमें से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, जैसे कि EVOL 3 का आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि EVOL 3 के लिए लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं एंड वो आ सकता है। ठीक है बट उससे पहले आइसक्रीम 8 आएगा क्योंकि EVOL की स्टोरी तब ही कंटिन्यू होगी जब आइसक्रीम से उसकी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है कि क्या है क्या नहीं। एंड यस आइसक्रीम यूनाइटेड आने वाला है, मिस्टर मीट 3 का कह नहीं सकते, 3 पे डाउट है थोड़ा सा क्योंकि मिस्टर मीट में अभी चैप्टर 2 में भी काफ़ी अपडेट आ सकते हैं। एंड ग्रैनी 4, यस ग्रैनी 4 भी पॉसिबल है। EVOL दी ब्रोकन मास्क का बैलून एस्केप बिल्कुल वो इस साल आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। और जो न्यू मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं कैप्टेंस के, यस इनके बारे में भी हमको पता चलेगा बहुत कुछ। और हॉरर ब्रॉल का मिस्टर मीट वाला अपडेट वो आएगा ही आएगा देख लो, क्योंकि वो ही इकलौता कैरेक्टर बचा है। तो यार इस साल ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये साल टीम कैप्टेंस के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। ओके यहाँ पे तनीश भगत का यहाँ पे सवाल है, हैप्पी रिपब्लिक डे सेम टू यू। और मेरी थ्योरी है कि EVOL 9 के आने के बाद रॉड देखने, फिर ये सब कैमरे से देखेंगे फिर रॉड, और समझ में नहीं आया। ओके मैं चौधरी का सवाल है, मिस्टर मीट 3 में रेबेका कुछ ऐसा करेगी कि मिस्टर मीट को ठीक करेगी, वो 2 रेसिपी लेके गई और रेबेका अपने पापा से प्यार करती है मे बी। यस ये तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि रेबेका जो है मिस्टर मीट को हेट बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि जिस तरीके से वो एंटर करी थी ना प्रिजन में, तो सबसे ज़्यादा सैड वही थी, उसकी माता जी से भाई बिल्कुल सैड नहीं थी। एंड उसकी जो दूसरी वाली सिस्टर थी क्रिंज सी आवाज़ की, Rebecca, the three of us will be together today. How can you be sad? वो भी बिल्कुल सैड नहीं थी। एंड जब ये लोग हेलीकॉप्टर से एस्केप कर रहे थे तब भी रेबेका मतलब सैड फेस था उसका। तो यस ये वाली थ्योरी भी पॉसिबल है काफ़ी ज़्यादा। एंड बाकी आप लोग अपनी थ्योरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं ले लूँगा उनको आने वाले टाइम में। सो या तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। एंड एक और चीज़, इस वीडियो के कमेंट में ये बताओ कि कौन सा मैं गेम खेलूँ नेक्स्ट। Young ladies, drink one of these. It will help you through this difficult time. Oh, thanks. It's my pleasure. Look, that's Amelia. I will go say hello. Sit here if you want. Well, well, everything is ready. Ladies and gentlemen, you can enter in an orderly manner. Keep quiet, please.